हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आई हूँ। गाइस, ये सेशन है आपका बिग डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। आप जानेंगे कि बिग डेटा एनालिटिक क्या है, इसके यूज क्या है, ये आपके पेपर परस्पेक्टिव पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट क्या है। ऐसा बहुत सारी जो नॉलेज इसके अंतर्गत आती है गाइस, आपको मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो आपको कहीं नहीं जाना, बस रुकना है आपको वीडियो के लास्ट तक और ये सारी नॉलेज आप तक पहुंच जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपना सेशन स्टार्ट करें। परिवार की तरफ से मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। भगवान से यही उम्मीद है गाइस कि आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन में सफलता है, रंग बिरंगे खुशबुओं से आपका जीवन महकता रहे, यही कामना है पीसीआईटी परिवार का। तो चलते हैं अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम जानेंगे बिग डेटा एनालिटिक है क्या। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिग डेटा शब्द पिछले कुछ समय से काफी प्रचलित है, लेकिन वास्तव में इसका क्या अर्थ है इसके बारे में अभी भी काफी भ्रम है। वास्तव में अवधारणा लगातार विकसित हो रही है और पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि यह डिजिटल रूपांतरण के विभिन्न प्रकारों की प्रेरक शक्ति है, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। गाइस, मैं आपको बता दूं, अब अपनी लैंग्वेज की बारी। ये तो था रिटर्न में, जो भी आपको रिटर्न में समझना था। अब हम समझते हैं एक्चुअली में बिग डेटा एनालिटिक क्या है इन ओरल। तो गाइस, जो आपका बिग डेटा एनालिटिक है, वो नाम से पता चल रहा है, बिग डेटा यानी कि बहुत बड़े डेटा को एनालिसिस करना। तो गाइस, इतनी कैपेसिटी ह्यूमन ब्रेन की नहीं होती कि वो क्या है, बहुत बड़े डेटा का एनालिसिस कर पाए। अब इसको और समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये आपके ट्रिपल सी में जो आपका फ्यूचर स्किल से कॉन्सेप्ट जुड़ा है गाइस, उसका ये बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या हिस्सा है मैं बोलूं। तो इसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो जो ये बिग डेटा एनालिटिक है, इसका मतलब है बहुत बड़े डेटा को एनालिसिस करना, यानी कि कंप्यूटर की मदद से या एआई के जरिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए, जो ये सारे शामिल हैं इसमें, उनके जरिए दुनिया भर में जो भी डेटा यूज किया जा रहा है, जितना भी डेटा यूज किया जा रहा है, उन सबको एनालिसिस करना। अब अभी भी थोड़ा कम समझ में आया होगा, ये बहुत बड़े डेटा हो गया, ये क्या हो गया, समझ में कम आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ गाइस। कभी कभी क्या होता है, आप जो गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, जिस चीज को आप लाइक करते हैं, वो चीज बार बार फिर आप जब अगेन यूट्यूब ओपन करेंगे गाइस, तो वो आपके होम स्क्रीन पर वही चीज दिखाई देगी। मान लीजिए आप सीआईडी देखते हैं, और आपने क्या हुआ, सीआईडी देखते हैं और आपने या सर्च कर लिया या आपने सीआईडी का जो भी एपिसोड है उसको लाइक कर दिया, तो बार बार वही चीज आपको दिखाई देगा। अब ये पॉसिबल इसलिए है गाइस, क्योंकि वो एआई बेस्ड होती है, थोड़ी बहुत एआई उसमें वर्क होता है, और गूगल जो कंपनी है या यूट्यूब जो भी आपकी कंपनी है, वो क्या करती है, डेटा को एनालिसिस करवाती है कि जो उनके यूजर हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं, किस यूजर को किस चीज की जो नॉलेज है वो चाहिए, कौन सा यूजर क्या देखना पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आपके सामने वही चीज डाल देते हैं, जिससे आप ना चाहते हुए भी मजबूरी में वहां क्लिक करते हैं और आपका डेटा कंज्यूम होता है, उनको होता है फायदा। तो ये होता है अक्सर जब हम लोग कोई क्या होता है, जैसे सोशल साइट हो गया या जैसे ई कॉमर्स साइट हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो हम वहां जब साइन इन करते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों पूछता है, मींस हमारा जेंडर भी पूछता है, इसलिए कि वो, अगर आप लड़की हैं तो आपको ज्यादातर प्रोडक्ट जो दिखाएगा वो लड़कियों वाला दिखाएगा, मेकअप, ऐसे ऐसे आई लैसेज, जो भी आपके मेकअप में आता है, मेकअप ट्यूटोरियल होता है गाइस, जो भी मेकअप से रिलेटेड जितने भी सामान है, वो चीजें आपको काफी ज्यादा वही फोकस कराता है, और आप ना चाहते हुए भी उसको परचेज कर लेते हैं। ऐसे लड़कों का होता है, उनको जो उस समय ट्रेंडिंग में है, जो फैशन चल रहा है, उसी से सिमिलर दिखाते रहते हैं और लोग ना चाहते हुए भी उसको परचेज करते रहते हैं, तो इससे कंपनी को बड़ा फायदा होता है। तो यही कंपनियां हथकंडा अपनाती हैं, वो क्या करती हैं, वो डेटा का एनालिसिस करवाती हैं कि यूजर क्या पसंद कर रहा है, यूजर को क्या पसंद आ रहा है, उसी बेस पे वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं और अच्छा खासा वो प्रॉफिट भी कमाती हैं। अब गाइस, बात करें इसको करता कौन है,
तो जो आपका बिग डेटा एनालिटिक है वो ह्यूमन ही करता है। ह्यूमन करता है मींस जैसे प्रोग्रामर हो गए, आईटी सेक्टर के लोग हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा ये भी पैसा कमाते हैं। लोग आते हैं, उनसे कहते हैं भैया जरा ये एरिया देख लीजिए कि यहाँ के एरिया में जो लोग हैं वो कौन सा फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए वो चाइनीज फूड पे बर्गर चाउमीन इन सब पे ज्यादा टूट पड़ रहे हैं तो उसकी दुकान डाल दें। अगर यहाँ के लोग थोड़ा जो देसी खाना होता है वो खाना पसंद कर रहे हैं, गोलगप्पा खाना पसंद करते तो उसकी दुकान डाल दें। तो ऐसे में क्या होता है गाइज, ये बिग डेटा एनालिटिक हेल्प करता है। लोग पैसा देते हैं आईटी डिपार्टमेंट या जो भी प्रोग्रामर होता है या जिसको कंप्यूटर एक्सपर्ट जिसको बोल दें, अगर उसको नॉलेज होती है तो वो डेटा एनालिसिस कराता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये चीज बहुत चल रही है, तो वो उस चीज की दुकान डाल देता है और मुनाफा कमाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिग डेटा एनालिटिक क्या है। ये बहुत बड़े डेटा का जो है एनालिसिस करता है, इसको ह्यूमन ही करता है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं। इससे लोगों को फायदा होता है, लोग ये जान पाते हैं कि उस एरिया में क्या चीज प्रचलन में है। आगे बढ़ते हैं गाइस, मीनिंग ऑफ बिग डेटा एनालिटिक अभी आपने देखा और मैंने समझाया गाइस। बिग डेटा एनालिटिक इज यूज्ड टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट अ लॉट ऑफ डेटा एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग स्पेशली इन डिजिटल वर्ल्ड। वही जो मैंने अभी समझाया कि बिग डेटा यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए जो भी डेटा हमारे चारों तरफ है, स्पेशली इन डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग डिजिटली ही होते जा रहे हैं गाइस। हमारा सारा काम, जितना काम है वो सारा फोन से होता जा रहा है, तो इसीलिए डिजिटल डेटा को जो कैलकुलेट करता है, एनालाइज करता है, वो बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। और अगर हम फिजिकल दुनिया की बात करें, वो तो हमारे घर के बुजुर्ग भी कर लेते हैं, कौन कहाँ आ रहा है, कौन क्या जा रहा है, किसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद है। लेकिन अगर डिजिटल दुनिया की बात करें तो उसके लिए गाइस बिग डेटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है। द मेन मोटो ऑफ द टेक्नोलॉजी टू गिव अ बेटर क्वालिटी इन द यूजर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू द डेडिकेटेड क्लाइंट्स। वही जो मैंने कहा कि जो भी यूजर इसका यूज करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी का, उनको ये बेहतर सुविधा प्रोवाइड करता है। जो भी क्लाइंट इससे अटैच होते हैं, मतलब जो भी क्लाइंट इस सुविधा का लुफ्त उठाना चाहते हैं, उनको वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, वही चीज यहाँ पे हिंदी में दिया है तो आप सभी देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर वहां आपको इंग्लिश में ना समझ में आई हो गाइस, तो यहाँ आप हिंदी में उसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग नोट्स तो प्रिपेयर ही कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। चलते हैं फैक्ट देखते हैं। हर 2 दिन में और हमारे द्वारा बनाए जा रहे डेटा की मात्रा में तेजी से वृद्धि जारी है। 2020 के अंत तक उपलब्ध डिजिटल सूचना की मात्रा लगभग 5 जेटाबाइट से बढ़कर 50 जेटाबाइट हो जाएगी। गाइज मैं बता दूं कि ये आंकड़ा है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन हुई है, वैसे डिजिटल दुनिया में भी डेटा की काउंटिंग की जाती है कि कितना डेटा यूज किया जा रहा है, डेटा का रेशियो कितना बढ़ रहा है, तो वो भी किया जाता है बिग डेटा एनालिटिक की हेल्प से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2020 में डेटा जो 2020 में था आज 50 हो गया है, 50 जेटबी हो गया है, जेटाबाइट हो गया है। तो ये चीज दर्शाता है कि भारी मात्रा में डेटा का यूज हम कर रहे हैं। हमारी हर लाइफ, सोशल लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, हर चीज, हमारी चॉइस, हर कुछ डिजिटल में कैप्चर होके रह गया। डिजिटल जो दुनिया है वो जानता है कि हमको क्या पसंद है, हमारे मन में क्या है, सब कुछ जानता है वो, और उसी को एनालिसिस करके लोग इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये है आपका जो बिग डेटा एनालिटिक के जो फैक्ट थे। 4 प्रकार के डेटा एनालिटिक आपका दिया गया है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव, दूसरा प्रेडिक्टिव, तीसरा डायग्नोस्टिक और चौथा आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक। तो आइए इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो गाइज जो आपका पर्सपेक्टिव एनालिटिक है, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बिग डेटा एनालिटिक तकनीक है। ये बहुत सारी चॉइसेस में से सबसे बेस्ट सोल्यूशन को सजेस्ट करता है। अब जैसे मैं बता दूं गाइज ये क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बर्गर और ये जितने फास्ट फूड है इसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए किसी को कोई दुकान कहीं भी अपना शॉप ओपन करवाना है, मॉल ओपन करवाना है, कोई भी बिजनेस का काम करना है किसी भी क्षेत्र में, तो वो क्या होता है गाइज, पहले क्या करता है, डेटा का एनालिसिस करवाता है कि वहां के लोग
किस तरह का रहन सहन है, क्या चीज वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या चीज उनको ज्यादा पसंद है। तो ऐसे कुछ चीजों का जो नॉलेज है वो आपका पर्सपेक्टिव एनालिटिक कहलाता है, जो कि आपके जो साइबर एक्सपर्ट हो गए या कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गए या आईटी डिपार्टमेंट के लोग हो गए वही ये करते हैं, और उन्हीं को अच्छा खासा पैसा दे के कंपनियां ये काम करवाती हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कि ठीक है आप फास्ट फूड ओपन कर लीजिए, वहां बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां बस अगर आप चलवा दे तो काफी अच्छा रहेगा। ऐसे जो तीन चार कई एग्जाम्पल जो वो देगा कि ये तीन चार इस एरिया में काफी सुटेबल है, या पानी की टंकी पहुंचा दीजिए, तो पर्सपेक्टिव एनालिटिक जो सबसे बढ़िया होगा ऑप्शन इनमें से, जैसे पानी की टंकी पहुंचाना, बस चलवाना या फास्ट फूड ओपन करवाना की शॉप, तो इसमें से तीनों में से जो ज्यादा बेटर है वो पानी या फास्ट फूड, इन दोनों में मतलब तीनों में जो ज्यादा बेटर वहां के लिए उस क्षेत्र के लिए जो ऑप्शन लगेगा वो ये आपको बताएगा कि ये चीज आप करिए आपका काफी फायदा होने वाला है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बेस्ट सोल्यूशन कौन सा एनालिटिक प्रोवाइड करता है, तो वो है पर्सपेक्टिव एनालिटिक। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिटिक। प्रिडिक्टिव एनालिटिक का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, यह किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। यह सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने के लिए स्टैटिकल डेटा, मॉडलिंग डेटा, मीनिंग एंड माइनिंग या मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, यह किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है कि उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, यह सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने के लिए स्टैटिकल डेटा, मॉडलिंग डेटा, माइनिंग तथा मशीन लर्निंग तकनीकों का प्रयोग करता है। गाइस जो आपका प्रिडिक्टिव है वो जैसे वही वाली हाल है कि मान लीजिए आपका कोई लॉस में जाने वाला हो, मान लीजिए आपने कोई कंपनी ओपन कर रखी हो और उसमें निरंतर क्या हो रहा है कि जो वृद्धि दर है वो कम हो रही है, तो ये चीज आपको अगर पता लगाना है तो उसके लिए आप प्रिडिक्टिव करवाएंगे। इससे आपको पता चलेगा, वो आपके 5-6 साल का रिकॉर्ड देखेगा, कहेगा सन 2011 में आपकी कंपनियां खूब चली क्योंकि आपने ये सुविधा दे रखी थी, और अब आपकी कंपनी में ये सुविधा नहीं है इसीलिए आपने सुविधा हटा दिया, या आपने वर्कर के साथ ऐसा किया, बोनस नहीं दिया, इस कुछ रीजन की वजह से आपकी कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो रहा है। तो आपको समझ में आया गाइज, और आपने उस पर तुरंत काम किया और आपका काम हो गया, बन गया, और आपकी कंपनी धड़ल्ले से फिर से चलने लगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। डायग्नोस्टिक पढ़ेंगे गाइस। तो अगर आपसे फ्यूचर पूछे गाइस तो आप प्रिडिक्टिव बताएंगे। अब डायग्नोस्टिक देख ले, ये पास्ट से रिलेटेड होती है। डायग्नोसिस मतलब वही हो गया कि गाइज आप पता लगा रहे किसी भी कमियों का, जैसे कहते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, पेट में हो गया, कुछ भी हो गई, तो वो कहते हैं जाके डायग्नोस्टिक सेंटर चले जाइए, एक्सरे करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड, यानी कि इससे कमियां कहाँ आ रही उसका पता चलता है। तो डेटा साइंटिस्ट इस तकनीक का प्रयोग तब करते हैं जब वे जानना चाहते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही, अर्थात इस चीज के पीछे रीजन क्या है। तो वही गाइस जो अभी मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया कि कंपनी में आपका घाटा बड़ा चल रहा है, तो इससे आप जानेंगे पिछला मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा कंपनी घाटे में जा रहा है। तो ये आपका डायग्नोस्टिक जो होता है पास्ट से रिलेटेड, आपको पास्ट का एनालाइज करता है, पास्ट में जो भी कुछ भी हुआ है, और उसी के आधार पे आपको सोल्यूशन देता है ताकि आपका आगे जो बिजनेस है वो बेहतर हो सके। लास्ट है आपका गाइस डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक। इस तकनीक में बहुत ज्यादा समय लगता है तथा ये सबसे कम लाभ देती है, मीन्स ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक जो है वो हिस्टोरिकल डेटा का इंसाइट प्रदान करती है, जैसे समरी, वही कि मान लीजिए आपने 2-3 साल का अगर डेटा एनालिसिस करवाया तो आपका डायग्नोस्टिक हो गया, मतलब कि कमियां कहाँ आई, लेकिन आपने क्या हुआ 10-15 साल सबका डेटा एनालिसिस करवा दिया कि देखें कब हमें कितनी बढ़त हुई, किस साल में हमारा ज्यादा घाटा हुआ, किस साल में हमने अच्छी कमाई की, तो ये सब जो पता लगाएंगे गाइज वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक हो गया। तो गाइज जो भी आप कंपनी डाल रहे हैं वो बेहतर ढंग से डिसीजन मेकिंग कर सकती है, इसके द्वारा जो भी कंपनी में कोई भी कमियां आ रही है उसका पता लगेगा, कस्टमर सर्विस भी अच्छी होगी, टाइम की बचत होगी, आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे और आपका ग्रोथ रेट काफी अच्छा होगा, कंपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को भी कंट्रोल कर सकती है और फ्रॉड का भी पता लग सकता है, यानी कि इसके बेनिफिट ही हैं। कमियों को बताना, हमारी कमियों को दूर करना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है गाइज। तो चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।